हेलो एवरीवन आज हम करेंगे क्लास टू का मैथ्स का चैप्टर नंबर सेवन रानीज़ गिफ्ट तो एक रानी है राजा उनके लिए गिफ्ट बनवा रहे हैं तो उसकी बात कर रहे हैं सो लेट अस रीड तो पढ़ते हैं एक ये स्टोरी है पहले वंस अपॉन अ टाइम राजा जगदीप वांटेड टू मेक अ ब्यूटीफुल कर्ड बेड फॉर हिज क्वीन तो वो एक बहुत अच्छा सा सुंदर सा बेड बनाना चाहते थे अपनी क्वीन के लिए रानी के लिए ही कोल्ड हिज बेस्ट कार्पेंटर फ्रॉम द टाउन तो उसने शहर से जो बेस्ट कारपेंटर था लकड़ी का काम करने वाला तो उसे बुलाया आई वॉन्टेड अ बेड विच इज टेन हैंड्समैन लोंग मुझे एक बेड चाहिए जो दस हाथ लंबा हो टेन हैंड्समैन ठीक है यानि कि ये देखो ये जिस तरह से काउंट कर रहा है इसे क्या बोलते हैं हैंड्समैन सो इस तरह से टेन हैंड्समैन वो लंबा होना चाहिए तो बोलता है कि ओके okay, महाराज ठीक है सो दार्पेंटर स्टार्टेड मेकिंग द बेड कारपेटर कारपेंटर ने शुरू कर दिया वो बनाना आई एम अनेबल टू फिट इन तो वो रानी बोलती है कि लेकिन मैं तो इसमें फिट ही नहीं हो पा रही फिर राजा ने यहाँ पर मेजर किया देखो राजा अपना हाथ मेजर कर रहा है सो तो आपकी जो जैसे ये हमारा हाथ होता है इस तरह से सो तो जब हम ये वाला आपके थम और ये फिंगर का पूरा एक मेजरमेंट लेते हैं ठीक है इस तरह से लेते हैं तो ये आपका होता है वन हैंड हैंड्सपैन ठीक है सो राजा ने देखो यहां से यहां तक मेजरमेंट लिया वन हैंड्सपैन तो उसने काउंट किया कि वन टू एट इट इज ओनली एट हैंड्सपैन ये तो सिर्फ आठ ही हैंड्सपेन है तो वो बच्चा बोलता है कि लेकिन ये कैसे पॉसिबल ये तो हो ही नहीं सकता फिर वो बच्चा काउंट करता है तो कितना होता है फोर्टीन हैंड्सपैन अब ये फोर्टीन क्यों हो गया अब देखो कहाँ से काउंट किए यहाँ से लेकर यहाँ तक तो आपकी जो छोटी वाली फिंगर होती है वहाँ से लेकर थम तक का जो आप काउंट करते हैं उसे आप बोलते हैं हैंड्सपैन तो ये छोटा कैसे हो गया एवरी वन इंक्लूडिंग द राजा वॉज कन्फ्यूज तो सब जो कन्फ्यूज हो गए कि ऐसा कैसे हो गया आई हैव अ सोल्यूशन फॉर दिस तभी जो है उनका मंत्री आता है वो बोलता है कि मेरे पास इसका सोल्यूशन है डिस्कस द सोल्यूशन विच वॉज गिवन बाय मंत्री टू सोल्व द कन्फ्यूजन तो अब जो है उन्होंने वो कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए उस चीज़ को देखा कि क्या इसका हो सकता है अब देखो इसका रीज़न क्या हो सकता है ये बच्चा छोटा है और राजा बड़ा है तो इसके हाथ भी क्या होंगे छोटे होंगे और राजा के हाथ बड़े होंगे तो राजा ने जब काउंट किया तो वो कम स्पैन था जब बच्चे ने काउंट किया क्योंकि उसके हाथ छोटे थे किसी भी चीज को कवर करने में ज्यादा स्पैन उसके लगेंगे अगर आप कंपेयर कर रहे हैं राजा से तो इस वजह से उनको वहां पर प्रॉब्लम आई नाउ यूज टेक्स्ट बुक टू मेजर द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स अब आपको जो है अपनी टेक्स्ट बुक का यूज़ करना है ठीक है कि टेक्स्ट बुक आपको रखनी जैसे टेबल है टेबल पे आप यहाँ पे टेक्स्ट बुक रखेंगे एंड काउंट करेंगे कि कितनी बार आपने टेक्स्ट बुक को रखा कि वो वहाँ पर पहुँच गए फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने रखा एस्टीमेट एस्टीमेट मीन्स कि इतनी बार हमें वो चीज़ रखनी पड़ेगी ब्लैक बोर्ड का फाइव विंडोज़ का आप लगा सकते हैं विंडो डिपेंड करता है कि कई जगह पर बड़ी होती है और कई जगह पर छोटी सो हम छोटे वाली विंडो का लगा के चलते हैं कि थ्री टू हो गया अब जब हमने डेस्क को मेजर किया टेक्स्ट बुक से टेक्स्ट बुक रखकर तो फाइव आया ब्लैक बोर्ड के लिए आपकी एट आई है और इसके लिए आपकी थ्री ठीक है एक्चुअल लेंथ आपकी मेनली टेबल वगैरह इनकी ये रहेगी देन लेटेस्ट टू कविता इज गोइंग टू द स्कूल फ्रॉम हर होम वो जो है स्कूल से घर जा रही है सॉरी स्कूल जा रही है अपने घर से सी इज गेटिंग लेट वो लेट हो रही है विच पाथ शी यूज टू रीच द स्कूल फास्ट मार्केट इन गिवन बिलो अब यहाँ पे आपको छोटा रहेगा तो ये वाला उसके लिए सबसे छोटा रहेगा चूज द लोंगेस्ट पाथ फ्रॉम ए टू बी अब आपको बताने की सबसे लंबा ए से बी का रास्ता कौन सा तो ये तो सबसे छोटा हो गया बीच में से गए ये थोड़ा बड़ा है और सबसे बड़ा कौन सा है ये वाला सो so, ये वाला पार्ट जो है सबसे बड़ा है एंड ऑल्सो मेक द शॉर्टेस्ट पाथ और सबसे छोटा पाथ कौन सा है जो सा ये वाला इन्होंने दिया है ए वाला ये क्या है शॉर्टेस्ट है और दूसरे वाला ये वाला क्या है हमारा लॉन्गेस्ट सो लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट हो गया उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया इन्होंने हाउ मैनी ब्लॉक्स अब यहां पर देखो ब्लॉक्स दिए हैं लेट मी स्टेक द ब्लॉक्स एंड फाइन द हाइट ऑफ माई टोयज़ तो उन्होंने देखो ये क्या किया इसके पास बहुत सारे टोयज़ हैं तो इन्होंने क्या किया ये ब्लॉक रखी यहाँ पर उसके बाद मेजर करने लगी हाइट की अब मंकी जो है येल्लो तक यानी कि टू ब्लॉक तक ही आ रहा है देन uh, एलीफेंट जो है यहाँ तक वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो एलिफेंट जो है सिक्स ब्लॉक्स तक है देन ये जो कैमल है सेवन ब्लॉक्स तक है एंड जिराफ जो है नाइन ब्लॉक्स तक है ओके okay? सो द जिराफ इज़ डैश ब्लॉक टोल कितना है नाइन ब्लॉक्स एंड द डैश इज सेवन ब्लॉक टोल तो कौन है कैमल जो है सेवन ब्लॉक्स टोल है द मंकी इज ओनली टू ब्लॉक्स एंड डैश इज वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स ओ डैश इज़ फाइव ब्लॉक टोल्स अब देखो इन्होंने यहाँ पर क्या किया ये जो एलिफेंट है एलिफेंट के नीचे एक ब्लॉक तो ऑलरेडी रखा हुआ है तो उसका एक ब्लॉक कम हो जाएगा तो कौन जो है हमारा फाइव ब्लॉक टोल है तो सिक्स उसके पास ऑलरेडी थे सिक्स ब्लॉक टोल था लेकिन एक उसके पास एक्स्ट्रा है उसने पाँव के नीचे रखा है तो वो लंबा हो गया तो एक ब्लॉक को हम निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा फाइव सो एलिफेंट क्या है फाइव ब्लॉक टोल है सो यहाँ पर हम लिखेंगे एलिफेंट इज़ फाइव ब्लॉक टोल नाउ हाउ लॉन्ग इज योर हैंड ट्रेस योर हैंड इन द स्पेस गिवन बिलो एंड काउंट द नंबर ऑफ लाइन अब आपको क्या करना है आपको अपना हैंड यहाँ पर ड्रॉ करना है इस तरह से ट्रेस करना है आपको अपना हाथ यहाँ पर रखना है ट्रेस करना है उसे एंड देन आपको काउंट करना है कितनी लाइन्स में वो आया जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक आप काउंट करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व सो कितनी लाइन्स हो गई यहाँ पर

सो आई टेल यू आई एम द मोस्ट अब कौन ये बोल रहा होगा ये एक्चुअली मी चेक अब आपको देखना है कि कौन कौन सी चीज बोल रहा है यहाँ पर अब ये बोल रही है आपकी मिर्ची तो ये क्या होगी आई एम द मोस्ट लाइटेस्ट लाइटेस्ट मीन्स सबसे जो है मीन्स uh, हैवी नहीं होगी बिल्कुल सबसे लाइट वेट की वो रहेगी देन ये बोलता है कि आई एम हैवियर देन अ कैरेट सो एंड आई एम लाइटर पम्पकिन से तो सारे ही लाइटर होंगे पम्पकिन से ज़्यादा वेट किसी का नहीं हो सकता एंड आई एम लाइटर देन कोलीफ्लावर और शिमला मिर्च बोल रही कि मैं कोलीफ्लावर ये आपका कोलीफ्ला है कोलीफ्लावर से मैं क्या हूँ लाइटर हूँ एंड आई एम हैवियर देन द बोटल कार्ट और बोल रहा है कि मैं जो है बोटल कार्ट जो है उससे क्या हूँ हैवी हूँ एंड देन ओके okay, यहाँ पर हमारे पास ये है नाउ वट डू यू थिंक इज हैवियर पम्पकिन और अ वोटरमेलन तो कौन सा इसमें से हैवी हो सकता है तो देखो मोस्ट चांसेस रहेंगे पम्पकिन के बिकॉज वोटर मेलन आपका अलग अलग साइज में अलग अलग शेप्स में आता है तो पम्पकिन देन मस्क मेलन इज हैवियर देन कैरेट मस्क मेलन जो है मस्क मेलन uh, जो होता है ये वाला आपका जो है हेवियर है कैरेट से ओके नाउ कैप्सिकम इज लाइटर देन कैप्सिकम किससे लाइटर है किससे उसका वेट कम हो सकता है तो कैप्सिकम ने क्या बोला था कोली फ्लावर सो so, इसका आंसर क्या रहेगा कोली फ्लावर कोली फ्लावर सो so, वो उससे लाइटर हो गई डैश इज हैवियर देन डैश अब ये जो है उससे डैश मीन्स कोई भी एक आ, उसका नाम लिखना है आपको सब्जी का एंड देन बताना है वो किससे जो है लाइटर है या हैवी है डैश इज हैवियर So, जैसे कि हम ले सकते हैं कैरेट इज अब कैरेट किससे किससेर हो सकती है चिली तो इससे तो हैवी होगी ही देन डैश इज़ लाइटर देन डैश अब ये जो है इससे लाइटर है तो फॉर एग्जाम्पल बोटल गोड टल गोड जी ओ यू इज लाइटर देन वोटरमेलन सो वॉटरमेलन से तो वो क्या होगी लाइटर हो गई एक बार फिर से लिख देते हैं बोटल एंड डैश इज ऑफ ऑल सबसे हैवी कौन हो गया यहां पर हमारा पंपकिन और सबसे लाइट वेट कौन हो गया सबसे लाइट वेट हमारी हुई थी ग्रीन चिली सो हम सिर्फ चिली यहाँ पर लिख रहे हैं आप चाहें तो ग्रीन चिली भी लिख सकते हैं जैसे कि ग्रीन ओके सो ग्रीन, ग्रीन चिली भी आप लिख सकते हैं वो सबसे लाइटेस्ट है यानी कि सबसे कम वेट है उसका नाउ कलेक्ट अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम योर सराउंडिंग अपने आसपास से आपको कुछ चीज़ें लेनी है शोट आउट द लाइटेस्ट एंड द हेवीस्ट अमंग दोस उनमें से आपको चीज़ों को अलग करना है कि ये लाइटेस्ट है यानी कि इसका वेट कम है और इसका वेट ज़्यादा है अरेंज ऑल द थिंग्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेट अब इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है यानी कि पहले जिसका वेट सबसे कम है फिर उससे ज्यादा फिर उससे ज्यादा फिर उससे ज्यादा फिर, उस फिर सबसे ज्यादा सो so इस तरह से आपको अरेंज करना है हाउ डू यू नो विच इज लाइट एंड विच इज़ हैवी तो आपको कैसे पता चला कि कौन सा हैवी और कौन सा लाइट है तो उनके वेट से उनको जब हम उठाते हैं तो पता चलता है ना कि इसमें ज़्यादा वेट और किस में कम नाउ देन मेक योर ओन बैलेंस तो आपको एक अपनी बैलेंस मशीन भी बनानी है मेक योर ओन बैलेंस विद द हेल्प ऑफ अ पेपर कप थ्रेड और हैंगर। ये सब चीज़ें आप ले सकते हो लाइक द वन शोन हेयर जैसे यहां पर दिखाया है नाउ कंपेयर एनी टू ऑब्जेक्ट्स कोई भी दो ऑब्जेक्ट आपको लेने हैं लाइक इरेजर बॉल बीड पेंसिल क्रोन्स एक्सेट्रा कुछ भी ले सकते हो टू सी विच वन इज हेवियर कौन सी चीज इसमें से हैवियर है आप कोई भी दो चीजें लो एक को इस वाले कप में और एक को इसमें जो नीचे की तरफ जाएगा वो क्या होगा हैवी और जो ऊपर जा रहा है वो वाली चीज क्या होगी लाइटर नाउ सर्कल दस्ट अब सब इनमें से जो हैवीएस्ट है यानी कि जिसका वेट ज्यादा है उसको आपको सर्कल करना है जैसे यहाँ पर ये सर्कल किया यहाँ पर इसे सर्कल कर दिया अब इसे क्यों नहीं किया क्योंकि इसे मुझे नहीं पता इसके अंदर पानी है या नहीं अगर पानी है तो ये हैवी है अदरवाइज ऑरेंजेज हैवी है नाउ लाइटेस्ट जिसका वेट सबसे कम है तो ये हो गया एंड देन यहाँ पर बलून नाउ लेटेस्ट थिंक, टिक द वेजिटेबल आर एंड फ्रूट्स विच विल मेक द बैलेंस गो डाउन जिसकी वजह से बैलेंस नीचे जाएगा यानी कि जो हैवी ऑब्जेक्ट है ठीक है मार्क लाइट एंड हैवी ऑन देम जैसे कि ये हैवी है ये लाइट है तो किस में नीचे जाएगा हैवी वाले में सो so, ये लाइट हो गया ये हैवी हो गया अब कहां पर जाएगा यहां पर नाउ इन दोनों में से नारियल जो है हैवी होगा एंड कोकोनट जो आपका हैवी होगा ये आपकी लाइट रहेगी और ये वाला पोर्शन क्या है नीचे जाएगा अब एप्पल जो है, हैवी है और लेडी फिंगर लाइट है और एप्पल वाला पोर्शन जो है नीचे जाएगा ना लेट इज डू टेक टू पेपर बैग्स ऑफ सेम साइज दो सेम साइज़ के पेपर बैग लेने हैं वन विद द सेंड एंड वन अदर विद ड्राई लिव्स एक में से पत्ते और एक में सेंड है डिस्कस देअर वेट्स अब इनका वेट जो है मेजर करो विच बैग इज हैवियर तो कौन सा हैवी होगा देखो अगर हैवी के उसमें देखोगे तो ये वाला ज़्यादा हैवी होगा सेम हमने बैग लिया लेकिन इसके अंदर जो सेंड है वो ज़्यादा आ सकती है सेम बैग है लेकिन फिर भी बिकॉज वो बहुत छोटा छोटा होता है पे ये वाले जो हैं कम आएंगे और अदरवाइज अगर आप वेट करेंगे तो जैसे एक के जी के जी अगर आप ले रहे हैं तो अब इसमें जो है ये वेट इसमें ज्यादा रहेगा कंपैरिजन टू दिस क्योंकि वो ज्यादा अमाउंट में आया है और वो कम अमाउंट में आएगा नाउ लुक एट द पिक्चर्स एंड डिस्कर द डिफरेंट टाइप ऑफ बैलेंस यूज बाय पीपल इन द पिक्चर गिवन बिलो अब आप आपको जो ये चीज़ें देखनी है नाउ टिक द टाइप ऑफ बैलेंस यू हैव सीन बिफोर आपने कौन सा पहले देखा जैसे कि ये अगर आपने देखा इसको टिक कर दिया ये देखा है तो टिक कर दिया ये देखा है टिक कर दिया सो so, जो जो आपने देखा है उसको आपको टिक करना है जैसे कि मैंने इसको भी देखा है तो मैंने ये सबको टिक कर दिया सो so, जो जो, जो चीज़ें आपने देखी हैं उसको आपको टिक करना है देन बताना है कि कहाँ देखा है जैसे ये ग्रोसरी की शॉप पर मिल जाता है ये भी मिल जाता है ग्रोसरी की शॉप पर और ये आपने जैसे बाहर आते हैं कई बार वो जो कार्डवेल्स लेकर हैं वो आते हैं तो उनके पास मोस्टली इस टाइप का होता था इजीली ये सब चीजें हम देख लेते हैं वहां पर नाउ फ्रूट्स इन द पार्क वोटरमेलन एंड मैंगो वॉन्ट टू प्ले ऑन द वोटर मेलन सेट्स ऑन द वन साइड ऑफ़ वोटरमेलन एक जगह बैठ गया बट ही कुड नॉट गेट अप लेकिन अब वो जो है उसे उठाया नहीं जा रहा हैल्ड अदर द अदर साइड अब उसके फ्रेंड मैंगो ने क्या किया दूसरे मैंगोज को बुलाया कि तुम भी मेरे साथ आओ तभी उसके इक्वल वेट होगा अदरवाइज नहीं होगा हाउ मैनी मैंगोजेंस कितने मैंगोज हैं? सिक्स मैंगोज ने एक वोटरमेलन का क्या किया है वेट को मीन्स इक्वल किया है हाउ मैनी कोकोनट्स कैन बैलेंस द वोटरमेलन अब टू तो, दो मैंगोज जो हैं आपके एक कोकोनट के इक्वल हैं तो कितने आपको कोकोनट चाहिए वोटरमैलन को करने के लिए सो so, एक कोकोनट इज इक्वल टू टू मैंगोज देन दो कोकोनट होंगे तो दो मैंगोज और हो गए तीन कोकोनट हुए तो दो मैंगो और हो गए अब कितने हो गए टोटल सिक्स मैंगोज और कोकोनट कितने हुए हमारे थ्री सो so, कितने हमें चाहिए थ्री मैंगोज सॉरी थ्री कोकोनट हमें चाहिए उसको बैलेंस करने के लिए वोटर को बैलेंस करने के लिए नाउ फाइंड आउट द प्लेस वेयर यू कैन चेक योर वेट एंड व्हाट इज़ योर वेट अब आपको अपना वेट चेक करना है देन वहाँ पर बताना है जैसे कि आ, जो भी नर्स रूम होता है या डॉक्टर रूम होता है मेडिकल रूम होता है उसमें जाके आप अपना इजिली वेट चेक कर सकते हैं एंड देन आपको बताना है कि आपका वेट कितना है नाओ अस मेक नींबू पानी अब नींबू पानी बनाना है राघु रघु एंड हिज फ्रेंड मेड नींबू पानी फॉर रघुज ग्रैंड मदर तो उनकी मम्मी के ग्रैंड मदर के लिए बनाया ही यूज द फॉलोइंग थिंग्स टू प्रिपेयर नींबू पानी वन ग्लास ऑफ नींबू पानी वॉटर वन ग्लास शुगर वन सब स्पून लेमन जूस टू स्पून एंड ए पिंच सोल्ट नाओ रघु वॉन्ट्स टू मेक नींबू पानी फॉर हिम एंड हिज टू फ्रेंड रघु हैज़ टू टेक थ्री ग्लास ऑफ नींबू पानी राइट द क्वांटिटी ऑफ इन्ग्रीडियंट ही हैज़ टू यूज टू मेक थ्री ग्लास ऑफ नींबू पानी सो थ्री ग्लास ऑफ वाटर हो गया शुगर कितना होगा देखो एक के लिए उसने एक स्पून डाला तो दो के लिए तीन के लिए कितना हो जाएगा तीन स्पून लेमन जूस दो स्पून है एक के लिए तो तीन के लिए, तो लिए यानी कि टू प्लस टू प्लस टू करना पड़ेगा थ्री टाइम्स तो कितना हो गया सिक्स सोल्ड कितना हो गया वन पिंच है तो इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाएगा थ्री पिंच आप डाल सकते हैं Now name some other drinks that are prepared at your home. Find out the ingredient used for making your favorite drink and write them below. Name the uh, name your favorite drink जो भी आप लेते हैं वो आप यहाँ पर बोल सकते हैं जैसे कि जल जीरा. So ingredient क्या होंगे? थोड़ी सी शुगर, water, जल जीरा powder. और मे भी अगर आपको लेना है तो आप आइस भी ले सकते हैं ठीक है उसके बाद क्वांटिटी कितनी होगी आज एस फॉर एग्जांपल वन स्पून शुगर का हो जाएगा एंड वन ग्लास वाटर हो गया एंड वन पैकेट अगर छोटा पैकेट है तो वन पैकेट जल जीरा अदरवाइज वन स्पून जल जीरा वाला पाउडर एंड आइस क्यूब आपको जितने भी लेने हैं थ्री टू फोर आइस क्यूब्स आइस क्यूब्स नाव नेक्स्ट है रघु बोटल इज़ फिल्ड विद फोर ग्लास ऑफ वाटर अब रघु की ये जो बोटल है इसको आप फोर ग्लास में कम्प्लीटली फिल कर सकते हैं नाओ हाउ मैनी ग्लासेज ऑफ वाटर कैन फिल योर बोटल आपकी बोटल को फ़िल करने में कितने ग्लासेज चाहिए तो थ्री ग्लासेज कम्प्लीटली फ़िल हो जाती है हाउ मैनी ग्लासेज ऑफ वाटर कैन फिल यर फ्रेंड्स बोटल आपकी फ़्रेंड की बोटल को फ़िल करने में फ़ोर ग्लास हो सकता है और मे भी अगर छोटी हुई तो टू ग्लासेसज भी हो सकते हैं डज योर फ्रेंड बोटल फिल विद इक्वल और मोर और लेस अमाउंट अब देखो क्या उसे भी सेम अमाउंट लगा या फिर कम लगा या फिर ज़्यादा मोर का मीन्स ज़्यादा तो मेरे वाले में कितना लगा है ज़्यादा अब ये क्वेश्चन जो है वेरी कर सकता है आपके अकॉर्डिंग अलग अलग आंसर आ सकता है मोर या लेस या फिर इक्वल इक्वल मीन्स सेम सेम थ्री गिलास आपके और थ्री ग्लास आपके फ्रेंड के मोर मीन्स आपके आपके फ्रेंड वाली बोटल में ज़्यादा पानी मीन्स ज़्यादा ग्लास की जरूरत हुई लेस मीन्स आपके फ्रेंड की बोटल में कम नाउ नेम द फ्रेंड हुज बोटल कैन कैरी इक्वल वोटर एज यर्स अब आपको अपने फ्रेंड्स के नाम लिखने हैं जिसकी बोटल में इतना ही पानी आता है जितना आपकी बोटल में आता है उसका नाम लिखना है जिसकी बोटल में आपकी बोटल से कम पानी आता है वो फ्रेंड के नाम लिखने हैं जिसकी बोटल में आपकी बोटल से ज्यादा पानी आता है उसका नाम लिखना है सो so, बस यही था इसमें और कुछ नहीं है सो so, इसके क्वेश्चन आंसर सब कुछ आपका हो गया है सो so, आपका ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं एंड डेट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू